लोगों अभी स्कूल जाने लगी है और हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये लोगों का प्रिंसिपल उधर से देख रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, यू आर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों तो आज यश्वी बीमार थी, इसके लिए वो आई थी और तीन चार दिन हो गए हैं स्कूल चालू है और एकम कसौटी की एग्जाम चलती है ना, तो वही तो इसको आज हम लोग छोड़ने जा रहे हैं और आज किसका आ रहा था इसके वजह से ये आई थी, तो अभी हम लोग छोड़ने जा रहे हैं ना। तो चलो दोस्तों अभी यश्वी को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, और यश्वी को हम लोग तीनों छोड़ने जा रहे हैं। निकुंज भी पीछे में आ रहे हैं, मामा को नहीं। मामा यश्वी का मामा आवाज़ लगा रहा है तो जा रही हूँ, ऐसा बोल। जहाँ था? हाँ तो यश्वी मामा को बोल रही है। निकुंज भी तो हम लोग भी एक छाता लेके जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे फिर भी कहीं दुकान में कुछ दुकान से खरीदना पड़ेगा तो बिक जाएंगे, इसके लिए यश्वी तो उनका छाता लेके स्कूल में चली जाएगी और हम लोगों को छुपने भी नहीं देगी अपने छाते में, क्योंकि बोलेगी मेरा छाता बिक जाएगा फिर मैं कैसे रखूँगी, कहाँ सुखाऊँगी, है ना। इसके लिए देखिए दोस्तों, देख सकते हैं पूरा धान का रोपाई हो गई है तो हरियाली हरियाली दिख रही है, क्योंकि अभी रोप दिया है ना धान का रोपा, तो कितना अच्छा नज़ारा है। ये सुबह का लोकेशन है और बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। देखिए निकुंज और यश्वी इधर में रास्ते पे जाके खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी इसका पापा यश्वी का पापा गाड़ी लेने गया है, देखते हैं क्या मालूम क्या करता है। यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे भी रोपा लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं वो साइड से पानी जाता है, इसके लिए उधर से नहीं रोपा है, है ना। और यश्वी बहुत खुश है, स्कूल में जाना है इसको, इसके लिए स्कूल का ही सूट पहन लिया है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग स्कूल में ही छोड़ के आएंगे हॉस्टल से। कितना अच्छा नज़ारा है, वाव हरियाली कितनी अच्छी दिख रही है देखो, और पूरा का पूरा पेड़ ही दिख रहा है, और बारिश होगी लेकिन आज भी कम ही होगी, बादल ये जा रहा है हल्का हल्का धीरे धीरे से काला काला। राकेश जी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग बैठे बैठे, यश्वी और निकुंज और मैं तीनों लोग यहाँ पे रास्ते के यही पार बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं राकेश का, तो वही मैं दिखा रही हूँ यहाँ का सुबह का ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों राकेश जी गाड़ी लेके आ गया है, आवाज़ लगा रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो वो छोटी वाली कहाँ गई, दरवाज़ा खोलो। धावन भागो भागो, ओए भीजी जा से जा जल्दी भाग। देखिए यश्वी भी चढ़ गई है और मैं भी अभी चढ़ूंगी। दोस्तों निकुंज को यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे और ये घर पे चला जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है इसके लिए, तो जाएगा ना बाद में, ये ना आया नहीं है इसके लिए हम लोग लेके नहीं जा रहे इसको। बहुत मस्ती कर रहा है और मैं भी अभी जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है, डिंगली बैठ गई इधर में। देखिए दोस्तों इधर में कितना बच्चे लोग बैठ गए हैं स्कूल में जाने के लिए, बोला भी है हाय करो बोला। हाँ और इधर डिंगली और क्या नाम है अंजना, यश्वी भी जा रही, मतलब मैं ये लोग अपने स्कूल में जाएंगे, ये लोगों को छोड़ के जाएंगे, है ना। हाँ तो अभी देखिए चार पांच बच्चे के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, निकल गए हैं और राकेश जी बाइक के गाड़ी चला रहा है गाड़ी चला रहा है, और अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है इसलिए दोस्तों वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए। दोस्तों देखिए बच्चे लोगों को हम लोगों ने स्कूल में यहाँ पे छोड़ दिया है, बाय करो बाय। देखिए इधर में ये स्कूल में उतर गए हैं भोला लोग,
हाँ जाओ, चुप जाओ, वहाँ बारिश से भीग जाओगे, जाओ। बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग करंजवेरी आ गए हैं और ये बारिश के मौसम की वजह से रास्ता भी थोड़ा बहुत खराब हो गया है, खड्डा खड्डा हो गया है ना जी। और थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, इसके लिए ये ऐसा मौसम है। और ये बारिश का ही मौसम चल रहा है तो बारिश तो होगा ही होगा, क्योंकि बारिश में ऐसा ही रहेगा। और बारिश में रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता। देखिए नदी कितना अच्छा जा रहा है। और ये कौन सी नदी है? तान नदी। तान नदी है, तान नदी मतलब खींच के लेके जाता है ना, कोई भी गिरता होगा तो। इसके लिए इसका नाम यही है, तान नदी। इसके भी पुल के ऊपर से भी कितना गड्ढा गड्ढा हो गया था। इसी को देखिए, आराम से बैठी है, बोल रहा है। इसी को देखिए क्या कर रही है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। यशवी क्या कर रही है, नहीं चल रही है क्या मालूम, यशवी टाइम से पूछ रहे हैं, स्कूल में नहीं दोस्तों, देखते हैं। अभी शायद हो गया है 9:15 हो गई है और स्कूल का टाइम है 10:30। तो देखते हैं यशवी आज स्कूल जाती है या नहीं, क्या हॉस्टल में ही रहती है, नहीं हो जाएगी। वैसे तो टाइम से हम लोग निकल के आए हैं घर से, अभी रास्ता खराब है ना, हाँ बारिश की वजह से रास्ता भी खराब है, ज़्यादा स्पीड से जा नहीं सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये पानी खड़क चौकड़ी पड़ गई है यहाँ पे और हम लोग जा रहे हैं सीएनजी भरने के लिए जाएंगे। सीएनजी के यहाँ पे भी लाइन है दोस्तों, क्या होगा अभी दोस्तों, बहुत टाइम होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए आ गए हैं दोस्तों, और लाइन देखिए कितना लाइन है दोस्तों। देखते हैं यशवी का टाइम, यशवी का टाइम भी हो जाने वाला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन, और वो भी डबल में है सीएनजी भरवाने के लिए। इधर से एक लाइन है, तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोगों का कब तक नंबर आता है ना। देखते हैं यशवी का नसीब है कि नहीं है स्कूल जाने में। चलो आगे करिए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा। दोस्तों देखिए, हम लोगों का सीएनजी वाला काम हो गया है ना, और एसी भी बैठ गई है बीच में। अभी देखते हैं कितना टाइम हो जाता है, कितना लेट हो जाता है, फाइनल इसको स्कूल में छोड़ के आना है ना, तो उसका भी टेंशन नहीं रहेगा। दोस्तों वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए। देखिए ये चिखली की कावेरी नदी है, और कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे मंदिर है, और ये देखिए शिवलिंग है कितना बड़ा, और पूजा करने में बहुत अच्छा लगेगा श्रावण के मौसम में। और बारिश भी चल रही है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। नदी में शिवलिंग बना है, मंदिर ही मंदिर दिखेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग चिखली में फाइनली आ गए हैं, और यहाँ से अभी कितना बाकी है, यहाँ से 10 किलोमीटर अभी भी बाकी है यशवी का स्कूल। तो वागलदरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और ये चिखली का नज़ारा है। तो दोस्तों देखिए, इधर से मैं दिखाती हूँ, ये नेशनल हाईवे दिख रहा है यहाँ से, हम लोग अभी जाएंगे। बाइक वाले इधर से उधर घूमते रहते हैं, हम लोग भी इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, हाँ तो इस साइड से हम लोग मोड़ लेंगे और ऊपर से जाएंगे, है ना। दोस्तों देखिए, ऐसा बारिश की वजह से
जलदरा में हम लोगों की एंट्री हो गई है और यशवी के स्कूल में भी बच्चे लोग जाने लगे हैं। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, देखिए लड़की लोग निकल चुके हैं। तो यशवी को हम लोग फटाफट हॉस्टल लेके जाएंगे और ये देखिए स्कूल के पास पहुँच गए हैं हम लोग। दोस्तों पहले हम लोग हॉस्टल जाएंगे, सामान इसका जो कुछ लाए हैं नाश्ता बहुत ये हो वो हम लोग रख के हॉस्टल से फिर यशवी को छोड़ के जाएंगे स्कूल में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वहाँ पर हॉस्टल में, है ना। तो दोस्तों देखिए ये हॉस्टल के अंदर हम लोगों की मतलब मैं रास्ते में ही है, लेकिन कितना अच्छा रहा नज़ारा लग रहा है यहाँ का, हरियाली हरियाली बहुत अच्छा है लोकेशन यहाँ पे। और टाइम से हम लोग भी पहुँच गए हैं, बच्चे लोग अभी भी अभी निकल रहे हैं स्कूल के लिए, है ना। तो अभी तुरंत यशवी को हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे, जो कुछ है वो रखेगी और यहाँ से स्कूल में तुरंत छोड़ देंगे। देखिए हॉस्टल में हम लोग आ गए हैं। गाड़ी भी घुमा ली है क्योंकि तुरंत जाना है इसके लिए। दोस्तों हम लोग यहाँ से एसी को बाप रहे हैं और ये सीढ़ियों से थोड़ा उतरना पड़ता है, इसके लिए दिक्कत होता है मुझे, फिसल ना जाऊँ, कमर ममर टूट ना जाए इसके लिए। तो अंदर हम लोग आ गए हैं और ये सामान अभी रखने के लिए देखते हैं कि हॉस्टल के अंदर का जो ये लोगों का रूम है ना। तू गए थे घर पे, तो ये संजना है गुंडिया की, है ना। तो ये भी गई थी घर पे और कब आई, शनिवार को। हाँ तो ये भी शनिवार को आ गई क्योंकि इसका भी तबीयत नहीं ठीक था इसके लिए। और ये इसमें सामान रख रही है, टिफिन विफिन लाए थे वो भी सब अच्छे से रख दो, बाद में आएगी तो पैकिंग अच्छे से करेगी वो, ऐसे ही गुस्सा गुस्सा के सब सामान रखेगी लगता है। वो गिर रहा है, देखिए पूरा सूटकेस भर के, तो एक सूटकेस तो कपड़ा ही है इसका, है ना। क्या निकाल रही है, फटाफट निकाल रही है क्योंकि इसको जल्दी है अभी। वो दवा रख दो अच्छे से, पीछे वाले बेड में नमकीन लाई है वो घर से ही। तो दोस्तों इसने सब इसमें से बैग में से सब सामान निकाल दिया है और जो कुछ लेके जाना है इसको स्कूल में वही अभी भरेगी कितना जल्दी में है क्योंकि लेट हो गया है इसके लिए, बहुत जल्दी कर रही है। तो दोस्तों देखिए इधर में हम लोगों का हो गया है पैकिंग वैकिंग, वो ये लोग निकल चुकी है इसके लिए और गाड़ी में तुरंत पहुंचा देंगे हम लोग इसके लिए। मैं भी अभी यहाँ से निकल रही हूँ अंदर से और स्कूल से बाहर आ गए हैं, मतलब हॉस्टल से बाहर आ गए हैं जल्दी में है क्योंकि लेट ना हो जाए इसके लिए मोबाइल। तो देखिए ये लोग भी गाड़ी में बैठ गए ये दोनों और राकेश जी भी अभी गाड़ी निकल रहा है अच्छा हुआ कि टाइम पे पहुंच गए। हाँ हाँ यही भोलेनाथ। तो अभी यहाँ से हम लोग तो देखिए यशवी के स्कूल में हम तक हम लोग आ गए हैं, अभी यशवी तक यशवी का निकालते हैं। ये लोग देखिए निकल रही है छतरी, पैसा यशवी को पापा पैसा देगा ये लोगों अभी स्कूल जाने लगी है और हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये लोगों का प्रिंसिपल उधर से देख रहा है। हेलो दोस्तों, अच्छा हुआ यशवी को भी टाइम से हम लोगों ने स्कूल पहुंचा दिया, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। वो भी खुश हो गई थोड़ी नाराज थी लेकिन
अभी अभी खुश बहुत ज्यादा हो गई दोस्तों। हाँ। क्योंकि टाइम से हम लोग ने यशवी को पहुंचा दिया स्कूल में। हाँ। इसके लिए दोस्तों सचिन भाई की गाड़ी अभी रख दिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों घर पे। और ये हमारे फुआ जी है दोस्तों, और उर्मिला इधर से उतर गई, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर पे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलो, बारिश भी आने लगा है और साता भी नहीं है, धीरे धीरे निकल जाऊँगा। हेलो दोस्तों, तो हम लोग फाइनली घर पे आ गए हैं। उर्मिला पहले आई, मैं फोर व्हीकल रख के आया सचिन भाई की दोस्तों। तो हम लोग अभी घर पे आ गया, इधर में जंती भाई है। जंती भाई अभी सोच रहा है अभी पार्टी करने के लिए दोस्तों, लेकिन घर पे कोई है नहीं। लेकिन अभी लोग आएंगे, गए हैं बाहर धान में दोस्तों, खत डालने गए हैं। तो अभी 12 बजे आएंगे तब पार्टी होगी दोस्तों। हम लोग यशवी को अच्छे टाइम सर हम लोगों ने रख के आ गए दोस्तों। हॉस्टल में नहीं, हॉस्टल में तो लेके गए थे, लेकिन स्कूल में भी टाइम से हम लोग उन्हें पहुँच गए दोस्तों। यशवी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो दोस्तों लाइक करना, और हमारे चैनल में नए होगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय आदिवासी दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।